दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए ट्रेंड क्या होगा। और इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछले कल क्या बताया था और आज क्या हुआ। कल हमने बोला था मार्केट आज बहुत मतलब तेजी रहेगी। एक बार 15-20 पॉइंट निफ्टी नीचे गया था। ओवरऑल मार्केट पूरे दिन तकरीबन ग्रीन में रहा। दो बार उसने 70 लगाया और जो हमारा हाई था 13,450 का 435 पर जाके बंद हुआ और 37-38 पॉइंट निफ्टी प्लस में ही बंद हुआ है। तो कल के लिए हमारा व्यू जो हमने बताया था वो सेम है। हमने बोला था मंदी और तेजी, ये बोला था जो मैंने वीकली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों साइड मार्केट रहेगा। पहले हो सकता है मंदी हो या तेजी, और बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं दिख रहा है मार्केट में कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है गैप डाउन। इसलिए मैंने ग्रुप में भी जो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने मन किया खरीदने के लिए। मैं क्यों खरीदते हो, अभी दो दिन बचे हैं, प्रीमियम कम हो जाएगा एक तो, और मार्केट को वहीं कहीं फ्लैट लाके खोल देते हैं। ठीक है, 35-40 प्लस खोल दिया तो दो एक सेकंड में एक कैंडल में नीचे, अगर ऊपर खोल दिया तो दो मिनट में ऊपर। तो उसमें क्या है, पोजीशन कैरी करने से कोई फायदा सा नहीं दिखाई दे रहा है। कई दिन क्या वीक निकल गया कम से कम, मतलब वो कॉल कल का भी देखें तो 5-6 रुपए प्लस पे खुली थी। तो उससे पूरी रात आदमी को दिमाग में टेंशन रहता है, पता नहीं मैंने क्या कैरी कर लिया। और बिना मतलब के जैसा सुबह का ट्रेंड बनेगा उस हिसाब से देख लेंगे। मार्केट दोनों साइड में जाना है कल। ठीक है, तो नीचे मेरे को जहां तक दिख रहा है, मैंने प्रीमियम ग्रुप पे मेन सपोर्ट डाला था कि 13,300 को नहीं तोड़ेगा और 13,320 का आज लो लगाया है मार्केट ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने संडे को एक ये बताया था मार्केट का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, वो मेरे को अभी दिखाई देने लग गया है। अभी आपके मैक्सिमम चैनल कहाँ पहुंच गए, 13,700 और 13,800 पे पहुंचने लगे। जो बोलते थे ना नवंबर में नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, 9,000 हो जाएगा, वो अभी यहां पहुंच गए। अभी तक फ्राइडे तक कहां थे, 500 पे थे। जो 13,500 पे थे वो अभी इधर आने लग गए। ठीक है, और एक कौन सी कंपनी है, मैं देख रहा था उसमें मैचेस में शायद CLA है, मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं है। उनका भी जो व्यू आया है मार्केट को 13,700 तक जा सकता है। ठीक है, तो जो 13,700 का भी ये जो चलने लगा है और जो ये ओवरव्यू चल रहा है मार्केट में, ये अभी आप लोग ये समझ लो कि हम कहीं ना कहीं टॉप पे पहुंच चुके हैं। जब मार्केट पूरा पॉजिटिव की तरफ, और जैसे ही 500 से ऊपर मार्केट जाएगा ना, आप लोग पता है क्या कहना शुरू कर दोगे, अभी ये 14,000 जाएगा। जो आज तुम पुट खरीद रहे हो ना दबा के, देखो उसमें वॉल्यूम दिखता है कॉल और पुट का कितना हो रहा है। तो 1:2 था, मतलब एक आदमी कॉल खरीद रहा है तो दो आदमी पुट खरीद रहे थे। अगर 13,300 का वॉल्यूम देखा जाए तो उसमें एक समय ऐसा था कि 1.65 जो है, 1,65,00,000 जो है कॉल थी और 2.75 करोड़ जो है पुट थी। हम कितना ही बोलें, कोई कितना बोलो, कोई अंतर नहीं पड़ता आप लोगों पर। मतलब ये लग रहा है कि जैसे टूट गया है, इसलिए मैं एक महीने का आप लोगों को बताता नहीं हूँ। उसका मेन कारण यही है कि तुम लोग मतलब यही सोचोगे नीचे जा रहा है। भाई एक बात बताओ, जिस आदमी ने इतना पैसा लगाया, मानो 1,00,00,000 करोड़ रुपया लगा दिया FII ने,
वो ये चाहेगी एक मिनट में तुम गिरा के इसको धरती पे करके मार्केट को और भाग जाओ, और वो पैसा बाद में बीनता रहे वहां से। वो ऐसा नहीं करता, पहले वो पैसा लेगा, बाद में तुम्हारे को देगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अभी पुट में मत बनाओ। मैं बृहस्पतिवार को बोला है वहां से एक एक करके खरीदना शुरू कर देना पोजीशन। ऐसा नहीं हो रहा कि उससे पहले, हाँ ये है कि कल परसों में मार्केट में 101 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है निफ्टी में, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आज भी टॉप से जाके 20 नीचे आ गया, 70 ऊपर, 90 पॉइंट तो आज भी हो गया करेक्शन। तो इस टाइप का तो होता है मार्केट में, ये मार्केट के बिहेवियर में काउंटेड होता है अप और डाउन। आप लोग जब 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो आप डरने लगते हो कहीं ना कहीं कि ये अप चला गया या डाउन चला गया। दूसरा था, मैं आपको 2 या 3 वीक पहले था कि ये रिलायंस जो शेयर है इसको लास्ट में यूज करेंगे जब इंडेक्स को ऊपर ले जाना होगा। उन्होंने आज मतलब इंडेक्स मैनेजमेंट किया है और रिलायंस को यूज कर लिया, 2000 के करीब ले आए रिलायंस को, 2-3 दिन और यूज कर लेंगे इसको, फिर इसका भाव वहीं आ जाएगा तकरीबन। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग इसको खरीद के बैठ जाओ कल सुबह से, पर मैं ये बता रहा हूँ, ये कुछ इंडिकेशन होते हैं मार्केट के अंदर के। हाँ भाई, अभी इंडिकेशन आने लग गए कि मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, वो 1-2 दिन इसी टाइप से अपना माल काटेंगे तो वो इसी टाइप से इसका करेंगे। और दूसरा ये कि FII कभी भी लॉस में नहीं जाता, कारण अगर उन्होंने शेयर खरीद लिए पैसा से, जो हम देख दें कि 5000 करोड़, 3000 करोड़ की बाइंग करके जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उतने ही फ्यूचर उधर शॉर्ट करते हैं। मतलब मान लो उन्होंने 1000 रिलायंस के शेयर खरीदे, उधर एक फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, तो मतलब वो हर पोजीशन को हैज करके चलते हैं, और दोनों साइड जिधर भी जाए उनका प्रॉफिट। उनको पता है, देखो जो मार्केट के अंदर पैसा होता है ना, वो किसी भी इंडेक्स को, शेयर को, जो भी करना है ना, हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर 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 कौन है, आप लोगों को ये पता है ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर पैसा है, जिसने पैसा मारा वो उछल गया उधर। अब बताओ ये रिलायंस का शेयर है, एट ए टाइम ऑर्डर पड़ जाए 2-2, 3-3 हजार खरीदने के, शेयर यहां से उठता हुआ ऊपर चला जाएगा और वहां पे जाके वो अपनी क्वांटिटी सेल के लिए लगा देंगे, वो बिक जाएगा और ये भी बेच लेंगे, तो वो तो अपना माल चाहे नीचे गिर जाए चाहे ऊपर प्रॉफिट में ही लेके जाते हैं। मार्केट को नहीं होगा, फिर पैसा अपना और लगाएंगे और उसको शेयर को उठा के सेल कर देंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं मार्केट का मेरा सर्वे है, मार्केट में जो 10,000 रुपया तक काम कर रहे हैं ना, सबसे लॉस में वही है। अब वो बेचारा आदमी 100-150 रुपये की कॉल भी नहीं खरीद सकता, अगर 150 की खरीदेगा तो 12-13 हजार रुपये की आएगी, रुपया है 10,000, वो नीचे की जाके ढूंढता है जिसको क्या वो पहले से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 70 वाली लेगा वो, उसको वहां से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे डेली शॉर्ट करके जा रहे हैं। कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है। वो कल खुलेगी मार्केट फ्लैट खुला, 10 माइनस खुलेगी, कॉल भी खुलेगी और पुट भी, उस बंदे को क्या फायदा होगा? तो जो आदमी कम पैसा से काम करते हैं उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि दिन में 1 या 2 ट्रेड करो। वो उसका टाइम कब होगा, जब मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो मतलब 80-90% चांस होते हैं कि मार्केट नीचे आता है, जो गैप है उसको भरने के लिए वहां पे उस दिन लगता है, या मैंने बताया कि मार्केट पॉजिटिव है जैसे, तो वहां पे अपना बाइंग कर लो। बाइंग करके वो पैसा उनका तकरीबन डबल हो सकता है, लेकिन बशर्ते पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो वो 10,000 रुपया अपना 8-10 दिन में खत्म कर देगा बंदा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात नहीं, ये ध्यान रखना। ये रिलायंस का था, ये रिफैक्स था एक शेयर जो दिया था, ये 100 के करीब दिया था शायद उस पर, और आप लोगों को दिया था 105 या 106 था, उसमें स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है टेलीग्राम में। तो इस पर लोअर सर्किट लगाए,
ये जो ऐसे शेयर होते हैं इसकी कोई ऐसी ये नहीं है, जब ये लोअर सर्किट खुल जाएगा मान लो कल, और एक दिन लग गया, दो तीन दिन लगता है लगातार, जैसे ही लोअर खुलेगा दुनिया खरीदेगी, ये अपर सर्किट लग जाएगा, तीन दिन ऊपर रहेगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां तुमने खरीदा है। तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं होती। दूसरा, एक ही शेयर को आप 1000-2000 इतनी क्वांटिटी मत खरीदो। 100 ले लिए, मान लो कोई अच्छी कंपनी है इसके, अब नीचे चला गया और नीचे चला जाए, फिर वहां एवरेज कर दो उसका, फिर ऊपर आएगा। पर जो कंपनी है ऐसी होनी चाहिए कि वो डूब ना जाए, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। थैंक यू, जय हिंद।